सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। जर्मनी में एक साहब ने गुरुओं के खिलाफ लिखा कि यह ऐसी कोई चीज है कि इसमें एक गुरु को मानते हैं और फिर दुनिया में कोई चीज को नहीं मानते। अब वो आधे अधूरे लोग हैं, वो नहीं जानते कि हमारे देश में अनेक वर्षों से, अनंत काल से गुरुओं के बारे में बताया गया है कि एक तो होते हैं सद्गुरु, जो कि आपको परमात्मा से मिला। सद्गुरु वो ही जो साहिब मिले, जो आपको परमात्मा से मिलाता है वो सद्गुरु। फिर गुरु जो कि परमात्मा के बारे में बातचीत करके आप में धर्म बिठाता है। फिर अगुरु, जिनमें गुरुत्व नहीं है, जो आत्म साक्षात्कारी भी नहीं है तो भी वो अपने को गुरु समझ करके और लोगों को बातें बताते हैं और पैसा ऐसा भी लेते होंगे। जैसे हमारे पादरी साहब हैं, समझ लीजिए, या पोप साहब हैं, ये लोग अगुरु हैं। इनमें कोई भी, इनकी कुंडलिनी जागृत नहीं हुई है, इनमें कोई विशेषता नहीं है और धर्म के नाम पे चर्चा करते हैं। ऐसे अपने देश में बहुत से लोग हैं, अधिकतर अपने सारे शंकराचार्य ऐसे ही हैं। एक शंकराचार्य कांची के जो पुराने छोड़ करके सब शंकराचार्य बिल्कुल अगुरु हैं। उनकी कुंडलिनी तो नीचे बैठी हुई है और जिनकी कुंडलिनी भी नहीं चढ़ी हुई उनको हम लोग गुरु मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? इनका इलेक्शन होता है, इलेक्शन हो सकता है गुरु का, परमात्मा से ये आनी चाहिए ना चीज़, समझने की बात है, ये तो चीज़ परमात्मा से आनी चाहिए। फिर उसके बाद में होते हैं जिनको कहा जाता है कुगुरु, वो लोग होते हैं जो ये तांत्रिक जो राक्षसी प्रवृत्ति के अत्यंत दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं वो अपने को गुरु मान लेते हैं। और ऐसे बहुत से गुरु जिन्हें कि हम अत्यंत दुष्ट दुराचारी इस तरह के लोग आज गुरु बन के बैठे। और इस बांग्लादेश में तो सब के सब आके न जाने कैसे, जैसे गंगा जी सब हिमालय से अपनी जड़ी बूटियां लेकर यहाँ पहुँची हुई है, ऐसे ये न जाने कहाँ से सब मिलजुल करके बंगाल पे आकर बैठ गए। और बांग्लादेश को पूरी तरह से गरीब बना दिया, इनको लूट लिया। इस शस्य श्यामला भूमि में उन्होंने जो जो हरकतें की हैं वो हम जानते हैं, क्योंकि सूक्ष्म में आप देख नहीं सकते। आप सोचते हैं नक्सलाइट ने ये किया और कम्युनिस्टों ने ये किया और कांग्रेस वालों ने ये किया और अमके नेते ये किया, इन लोगों का किसी का दोष नहीं। ये वातावरण जो खराब हो गया है वो वातावरण खराब करने वाले ये तांत्रिक, ये दुष्ट आदमी है। और उनसे भी बढ़ के जो महा दुष्ट राक्षस, जिनका वर्णन है कि देवी ने जिनको मार डाला, वो भी यहाँ पूजे जाते। महिषासुर अभी तक जिंदा बैठा हुआ और महिषासुर को भी यहाँ बहुत पूजा गया। जिसको देवी ने यहाँ मारा उसी महिषासुर को आपने पूजा है, नरकासुर को भी इतना पूजा है, उसको करोड़ों रुपये आपने दे दिए, उसके पास न जाने कितने तरह के रत्न हैं, कितने हीरक और हीरे भरे हुए हैं। ऐसे महादुष्ट लोगों को आपने पोसा हुआ है तो आप लोग तो गरीब हो ही जाएंगे। ये तो पूरा यही हुआ कि आ बैल मुझको मार, और आप अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाते हैं कि ये लोग कितने दुष्ट। आज पूजा के समय में एक माँ को चाहिए कि बताया जाए, पूजा के लिए सबसे पहले जाना जाए कि आप ही अपने गुरु हैं और किसी को गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं। हम तो कोई गुरु गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु अगर होते तो आप लोग परेशान हो जाते। लेकिन माँ से बढ़ के गुरु कौन है? माँ तो सब गुरुओं की भी माँ है। और आप चाहें तो हमारे
चरणों में बैठे, चाहे हमारे गोद में बैठे, चाहे हमारे सर पे बैठे, हमारे आप बच्चे हैं। बात और है, तो भी ये बात कभी भी नहीं मानी जाएगी कि कोई राक्षस या इसे हम लोग कहते हैं कि नेगेटिव पर्सनालिटी, वो आकर के आप पे छा जाए। ऐसा अगर घटित हुआ तो फौरन हम आपको बताएंगे ये चीज़ आप छोड़ दीजिए, इसके लिए आपको बुरा मानना नहीं चाहिए, क्योंकि हम माँ हैं, आपको मोक्ष देना तो हमारा स्वभाव है, उसमें कोई विशेष बात। लेकिन आपको किसी तरह का हम दुख नहीं देना चाहते, किंतु अगर आपको सत्य न बताया जाए तो आगे चल के तो आप दुखी पाइएगा, और सत्य शुरू में प्रिय नहीं लगता। इसीलिए कृष्ण ने कहा है कि सत्यम वदेत, हितम वदेत, प्रियम वदेत। जो आपके हित में है सो हमें आपको बताना ही है, क्योंकि आप हमारे अपने, हमारे नीच के हैं। थोड़ी देर हो सकता है आप मुझसे नाराज़ हो जाएं, कोई हर्ज नहीं, आप बच तो जाएंगे, आपके दिमाग में बात तो बैठेगी। इस देश का नाश जो हुआ है वो इसी वजह से, और इतने प्रचुर मात्रा में आपको दिखाई देते हैं कि आश्चर्य की बात है कि अभी तक ये लोग कैसे यहाँ जीवित बैठे हुए हैं। इनके भी इलाज हो जाए, लेकिन पहले आप लोग इनके चक्करों से निकलिए, नहीं तो मेरा हाथ रुक जाता है। इनके सबके इलाज एक साथ हो सकते हैं, लेकिन आप लोग मेरे लिए एक बंधन बन जाते हैं। इस प्यार और मोह के वजह से मैं आपसे कह रही हूँ कि कृपया इन लोगों से अपना संबंध पूरा तोड़ दें, और कोई भी तरह की इनकी वस्तु, इनका चित्र, इनका दिया हुआ प्रसाद जो सब विषमय है उसे छोड़ दें। आज पूजा से पहले क्या कहा जाए, इतना हृदय गदगद है, इतनी सुंदर रचनाएं, इतना सुंदर आवाहन, इतना सुंदर स्वागत आप सब ने अपने हृदय से किया, हृदय एकदम गदगद हो। सब कहते हैं कि माँ प्रसन्न है, लेकिन न जाने क्यों आंखों में इतने आंसू भर आए हैं और गला भी भर आता है, सोच सोच के कितने मेरे प्यारे बच्चे यहाँ रहते हैं, आपकी सारी विपदा खत्म हो सकती है, आपकी सब तकलीफें बिल्कुल मिट सकती हैं, क्योंकि परमात्मा जो है सर्वशक्तिमान है, उनसे शक्तिशाली कोई नहीं, और उनसे प्रेम करने वाला भी कोई, अत्यंत प्रेमी और शक्तिशाली ऐसे परमात्मा आपके अपने होते हुए आपको किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है या किसी चीज़ का क्या डर है? बस एक ही बात में हार जाते हैं कि आपको स्वतंत्रता है, आपकी स्वतंत्रता हम छीन नहीं सकते, क्योंकि आपको परम स्वतंत्रता जब देने की बात होती है तो इस स्वतंत्रता का पूरी तरह से आदर किया जाता है, पर उस आदर में ही मनुष्य खो जाता है, मनुष्य बहक जाता है और ऐसे लोगों के पास चला जाता है जो आपके जीवन के दुश्मन हैं, आपके शत्रु हैं। अनेक हज़ार वर्षों से इन दुष्टों ने इन भक्तों को सताया हुआ है और आज भी सता रहे, लेकिन वो ऐसा सोंग बना के आए हैं और ऐसी खूबी से आए हैं कि आप उसे पहचान नहीं पाते। सीता जी को भी रावण ने भेष बदल करके भूल में डाल दिया था, तो आप तो मानव जाति हैं, आपको वो अगर भूल में डालते हैं तो इसमें आपका दोष है, पर पार होने के बाद, रियलाइजेशन के बाद आपको अपने पांव पर खड़ा हो जाना चाहिए
और इन सब चीज़ों को छोड़ कर झाड़ झूड़ करके एकदम स्वच्छ हो जाना चाहिए, आपकी कोई सी भी परेशानी टिक नहीं पाएगी।